नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे आने वाले साल की। ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपके धन का क्या हाल रहने वाला है। आपको बताएंगे आपके आर्थिक भविष्यफल के बारे में और ये भी बताएंगे कि आने वाले वर्ष में आप कौन से उपाय करें, किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आने वाला वर्ष धन के मामले में कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर हम आने वाला वर्ष देखें तो पिछले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला के मध्यम रही है। बुरा नहीं कहेंगे उसको, लेकिन कुल मिला के पिछला वर्ष धन के मामले में आपके लिए मध्यम रहा है। इस वर्ष में आपकी बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, चाहे वो समस्याएं जिंदगी से जुड़ी हुई हों, चाहे वो आपके धन से जुड़ी हुई हो, तमाम समस्याएं आने वाले वर्ष में आपकी हल होंगी। धन के मामले और संपत्ति के मामले आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, यानी पैसे की मुश्किल इस वर्ष में आपको परेशान नहीं करेगी। और ये भी संभावना जरूर बनती है कि इस वर्ष आपको संपत्ति का फायदा होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। साल की शुरुआत में ये संभावना भी बन रही है कि आप स्थान परिवर्तन करेंगे, चेंज ऑफ प्लेस करेंगे और हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके किसी नई प्रॉपर्टी की तरफ आप जा सकें। अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल आप नया वाहन खरीद सकते हैं, यानी इस वर्ष में नई संपत्ति खरीदने की संभावना और नया वाहन खरीदने की संभावना आपके लिए बनी रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए धन का मामला, संपत्ति का मामला, वाहन का मामला पूरे साल में बहुत अच्छा है और इस वर्ष में आपको बहुत सारी सफलताओं की प्राप्ति हो सकती है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से अगर आप पूजा करते रहें, नियमित रूप से उपासना करते रहें, इस साल में नियमित रूप से भगवान की प्रार्थना करते रहें, खास तौर से विशेष रूप से अगर आप शनि देव की पूजा करें, शनि देव की उपासना करें और शनि से संबंधित प्रार्थनाएं करें तो आने वाला वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। धन का अभाव वैसे भी नहीं दिख रहा है और ऐसे भी होने की संभावना नहीं बनेगी। वृषभ राशि, टॉरस, कैसा रहेगा धन का मामला इस दीपावली से अगले दीपावली तक? कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपका वर्ष मध्यम है, मध्यम रहने की संभावना बनती है, एवरेज दिखाई दे रहा है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, कुल मिला के वर्ष आपके लिए एवरेज दिखाई दे रहा है। लेकिन एक संभावना दिख रही है कि इस साल में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कोई ना कोई संपत्ति आप अवश्य खरीदेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। देखिए, जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा इस साल में कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी आप कर्जा लेते हैं तो चुकाने में मुश्किल आ सकती है या बहुत समय तक कर्ज आपको परेशान कर सकता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से आपको बचाव करना चाहिए, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पैसों की परेशानी तो वैसे नहीं है आपको इस साल में, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि क्विक मनी बनाने के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में,
शेयर बाजार में मत जाइएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉटरी में मत जाइए, सट्टे और जुए में मत जाइए। जो आकस्मिक लाभ के क्षेत्र हैं, जो स्पेक्युलेटिव सेक्टर हैं, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको बड़े झटके लग सकते हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वृषभ राशि के लोग इस वर्ष इससे दूर रहेंगे। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि पैसे की स्थिति आपके लिए मध्यम रहेगी। मध्यम का मतलब जितनी जरूरत है उतना पैसा आपको आने वाले वर्ष में मिलता रहेगा। इस वर्ष धन के लिए क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें, पूरे साल भर शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करें, तो पूरे वर्ष आपको धन का अभाव नहीं होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी धन की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, ये कुल मिलाकर मध्यम दिखाई दे रही है, कुल मिलाकर एवरेज रहने वाली है। और जैसा आपको पहले बताया कि एवरेज का मतलब यह है कि जितनी जरूरत है उतना पैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसा आने की संभावना नहीं रहेगी। संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है मिथुन वालों की, अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या पुरानी प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, या पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या है, तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, संपत्ति संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आकस्मिक और पैतृक धन मिल जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं, यानी इस साल में बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको अचानक फायदा होगा, अचानक धन का लाभ होगा। जो पैतृक धन है, परिवार का धन है, इनहेरिटेंस का धन है, या पैतृक संपत्ति है, जो विरासत है, वो मिल जाने की संभावना इस साल में दिख रही है। देखिए, पैसे जो भी थोड़े बहुत आपके पास आते हैं, अगर आप उनका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। इस साल पैसे का सही निवेश करिएगा, सही इस्तेमाल करिएगा। अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। निवेश के मामले में सावधानी रखिएगा, सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ऐसा ना हो कि आपका पैसा डूब जाए। इसलिए प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, सोच समझ करके पैसे का इन्वेस्टमेंट करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूरे साल शनिवार को निर्धनों को धन का दान करते रहिएगा, यानी पूरे साल में मिथुन राशि के लोग हर शनिवार को निर्धनों को धन का, अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करते रहेंगे, और पूरे साल निर्धनों की सहायता करते रहेंगे, तो धन का अभाव मिथुन राशि वालों को बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों का हाल हमने आपको बताया। अब कुछ खास बातें भी आपके साथ कर लेते हैं। देखिए, आने वाले वर्ष में, यानी इस दीपावली से अगले दीपावली तक, दो ग्रहों की बड़ी भूमिका होगी धन कमाने के मामले में और धन देने के मामले में। एक भूमिका होगी शनि की, जो पूरे साल कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे और कुंभ राशि से लोगों को धन की व्यवस्था करेंगे या धन की मुश्किलें बढ़ाएंगे। और दूसरा होगा बृहस्पति, जो शुरुआत में मीन में रहेंगे, बाद में मेष राशि में चले जाएंगे, ये भी लोगों के धन की स्थिति पर असर डालेंगे। और दीपावली के कुछ दिनों बाद ही नव वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, नए कैलेंडर की शुरुआत हो जाएगी, और वो वर्ष होगा केतु का वर्ष। इसलिए बहुत सारे लोग एकदम से ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और बहुत सारे लोग एकदम से नीचे आ जाएंगे, ये संभावना भी आने वाले वर्ष में ज्यादातर लोगों के लिए बनेगी। तो देखिए, आपकी राशि कोई भी हो, दो बातों का ध्यान
हर राशि के व्यक्ति को इस वर्ष में रखना होगा। एक तो केतु को प्रसन्न करने के लिए आप निश्चित रूप से भगवान गणेश की उपासना करिएगा। इस वर्ष में, इस दीपावली से अगले दीपावली में अगर आपको धन चाहिए, आर्थिक स्थिति बेहतर करनी है, तो थोड़ा समय निकाल करके रोज भगवान गणेश की उपासना करिएगा। और जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उन्हें शनिवार को खाने पीने की चीजें दीजिएगा, उनकी देखभाल करिएगा। ये दो छोटे उपाय करने से धन का अभाव नहीं होगा। आ जाते हैं कर्क राशि पर और जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए इस दीपावली से अगली दीपावली तक आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। कर्क राशि, देखिए, आपके लिए आने वाले साल में आपके धन के मामले में और करियर के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। यानी कभी तो पैसा आएगा, कभी पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, कभी आपका करियर बढ़िया चलेगा और कभी आपके करियर में बाधाएं पैदा होंगी। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बृहस्पति आपके ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए धन के उतार चढ़ाव से और करियर के उतार चढ़ाव से आप बच जाएंगे, बुद्धिमानी से आप समस्याओं को हल कर लेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के मामले में, एजुकेशन के मामले में, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के मामले में आपका धन खर्च होगा। वो शिक्षा आपकी स्वयं की हो सकती है, आप कोई डिग्री डिप्लोमा लेना चाहें उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं, या आपके संतान की, आपके परिवार के लोगों की शिक्षा भी हो सकती है। और संपत्ति के मामलों में भी आपका धन खर्च होगा, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। देखिए, एक बात जरूर है कि कर्क राशि वालों को थोड़ा मजबूती से ध्यान लगा के, बुद्धिमानी से पैसे को पकड़ करके इस साल चलना होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि आपके साथ परिवार का सहयोग बना रहेगा और परिवार के सहयोग के कारण साल के अंत तक आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, साल के अंत तक आपकी स्थितियां ठीक रहने वाली हैं। यानी परिवार के सहयोग से और बुद्धिमानी से आप इस साल को बेहतर बना लेंगे और धन का जो उतार चढ़ाव है ये आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। क्या उपाय करेंगे पूरे साल भर? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा और नियमित रूप से निर्धनों को हर शनिवार को दान करते रहिएगा, आपका आने वाला वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर हो जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए इस दीपावली से अगले दीपावली तक धन की स्थिति कैसी रहेगी? कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए संतोषजनक रहेगा। इस साल में आपका मन बेहतर होगा और धन की स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष और कारोबार में आपके स्थिरता बनी रहेगी, यानी आपके पास पैसे भी आते रहेंगे और कारोबार भी आपका बेहतर होगा, कारोबार के उतार चढ़ाव से आपको छुटकारा मिलेगा। आप जो कर्ज से परेशान थे, कर्जा चुकाना चाहते थे, तो इस वर्ष में आप अपना कर्जा चुका पाएंगे, कर्ज की स्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा। और जो पैसा आपका मार्केट में फंसा हुआ है, आपका अपना पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, वो पैसा भी इस साल में प्राप्त होगा। यानी कर्ज की स्थिति और धन फंसने की समस्या दूर होगी। पारिवारिक मामलों में इस साल खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मकान रिनोवेट करवाएं, अपने परिवार की संपत्ति का रिनोवेशन करवाएं, या आपके परिवार में किसी का विवाह हो, परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य हो,
इस तरह की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, यानी ज्यादातर धन जो आपका खर्च होगा वो पारिवारिक मामलों में होगा, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। क्या करेंगे, पूरे साल भर पैसा आता रहे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, नमः शिवाय इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप करें, अगर आप प्रार्थना करें, तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए ये साल शुरुआत में ही दो बातें दिखा रहा है। इस दीपावली से अगले दीपावली तक को समझें तो दो बातें कन्या वालों के लिए तुरंत दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा, साथ ही साथ आपके लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, यानी स्थान परिवर्तन के साथ आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस साल में संपत्ति का लाभ होगा, यानी चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए फायदेमंद रहेगा, धन की स्थितियां आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। संपत्ति का लाभ, प्रॉपर्टी का फायदा भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल पर्याप्त मात्रा में कन्या राशि वालों के पास पैसे आएंगे, पैसे अच्छे खासे आते हुए कन्या राशि वालों के लिए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो आपका खुद का स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में इस साल आपके धन का खर्च बढ़ेगा, पारिवारिक मामलों में भी पैसा खर्च होगा और लोगों की बीमारियों के मामले में अपने परिवार के जो लोग बीमार होंगे उनको भी बेहतर करने में पैसा खर्च होगा। देखिए चीजें बहुत सही तरीके से रास्ते पे आ जाएंगी, इसलिए शौक में कर्जा मत लीजिएगा, बहुत जरूरी ना हो तो आने वाले वर्ष में कर्जा लेने से आपको बचना चाहिए। भगवान शिव की जितनी उपासना आप इस साल में करें, नमः शिवाय का जप करें सुबह शाम, नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें, अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी राशि कन्या है तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए आपको पहले भी बताया कि शनि की जो स्थिति होगी वो वर्ष 2023 में बड़ी विशेष होगी, इस दीपावली से लेकर के अगली दीपावली के बीच में, और शनि की ये विशेष स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी मकर, कुंभ और मीन राशि को। मकर राशि वालों की साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा, कुंभ वालों का मध्य चरण होगा और मीन राशि वालों के साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी। तो शनि की ये विशेष स्थिति लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा असर डालेगी, क्योंकि कुंभ राशि में शनि मजबूत होकर के 30 साल बाद दोबारा से जनवरी के महीने में मजबूती से प्रवेश करेंगे। अब इसमें तीन राशि वालों को ज्यादा ध्यान देना है। एक तो मकर वालों को यह ध्यान देना है कि पैसे की बर्बादी ना हो, पैसा उल्टा सीधा खर्च ना हो, पैसे को लेकर दिक्कतें ना हो। कुंभ राशि वालों को अपने पैसे का मैनेजमेंट करना होगा कि पैसा जो आ रहा है कितना बचाना है, कितना खर्च करना है, इसको लेकर के चीजों को कुंभ राशि वालों को मैनेज करना होगा। और मीन राशि वालों की चूंकि साढ़े साती शुरू होगी, इसलिए मीन राशि वालों को पैसा कमाने के लिए ज्यादा परिश्रम करना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी, और अगर वो मेहनत करेंगे तो उसके परिणाम उनके लिए शुभ होंगे। तो आपकी राशि क्या है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस साल में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और शनि की स्थिति का तीन राशियों पर, मकर, कुंभ और मीन राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, इस दीपावली से अगले दीपावली तक धन की स्थिति कैसी रहेगी। तुला राशि वालों को
जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। ये परिवर्तन परिवार में भी होंगे, घर में भी होंगे, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में भी होंगे। जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा और आप करियर में कोई बदलाव जरूर करेंगे इस साल में, और करियर में इस बदलाव से आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। धन अवश्य आएगा आपके पास, यानी पैसे की मुश्किल तुला राशि वालों के लिए बिल्कुल नहीं रहेगी, पर्याप्त मात्रा में इनको पैसा मिलता रहेगा। लेकिन पैसे के मैनेजमेंट पर, कितना पैसा आ रहा है, खर्च कितना करना है, बचाना कितना है, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान रखना जरूरी होगा। आने वाले वर्ष में गृह निर्माण करेंगे, यानी हो सकता है कोई जमीन हो आपके पास और आप उस पर मकान बनाएं, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद लें, संपत्ति का लाभ आपको हो जाए, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो देखिए, तुला वालों के पास पैसा बहुत अच्छा रहेगा, पैसे का सही इस्तेमाल करिएगा, और जो परिवर्तन आप अपने करियर में करेंगे उससे भी आपका पैसा बढ़ेगा। घर बनाने की संभावना है, नया घर खरीदने की संभावना है, ये संभावना इस साल में तुला वालों के लिए बन रही है। अगर आप इस साल में भगवान सूर्य की उपासना कर लें, यानी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा लें और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप कर लें, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। वृश्चिक राशि, करियर और धन के मामले में आपके उतार चढ़ाव रहेगा, यानी इस दीपावली से अगले दीपावली तक आप देखेंगे कि कभी तो पैसा बहुत आ रहा है और कभी पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी करियर और धन के मामले में इस वर्ष में उतार चढ़ाव रह सकता है, धन की समस्या रहेगी, और खास तौर से शुरुआती समय में धन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन दूसरों की सहायता से, परिवार वालों की सहायता से आप अपनी समस्या को हल कर लेंगे। इस साल में हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें, या कोई प्रॉपर्टी खरीद करके या जमीन खरीद करके उस पे घर का, ऑफिस का निर्माण करवाएं, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। इस साल वृश्चिक वालों को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और दूसरा आपके बहुत सारे पैसे आपके बीमारियों में खर्च होंगे, तो जहां तक संभव हो इस साल स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा आपके लिए। देखिए, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप एक तो धन के उतार चढ़ाव पर अपनी निगाह बनाए रखिए, दूसरा पैसे बेमतलब खर्च मत करिए, और तीसरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर इन तीन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आने वाले वर्ष में आपको पैसे की मुश्किल नहीं होगी। क्या करेंगे वृश्चिक राशि के लोग, आने वाले वर्ष में नियमित रूप से दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को, खास तौर से अगर ये शनिवार के दिन दान करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। नियमित रूप से वृश्चिक राशि के लोग दान करते रहें, उनके लिए फायदे की संभावनाएं बन जाएंगी। धनु राशि, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती जाएगी। एक तो शनि की साढ़े साती उतर जाएगी, दूसरे बृहस्पति आपके लिए अनुकूल रहेंगे, इसलिए जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, ये लगातार बेहतर होती चली जाएगी। रोजगार में, करियर में आपको बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। इस समय करियर में, रोजगार में आपको काफी फायदा हो सकता है, और अगर आपका पैसा पहले कहीं डूबा हुआ था, पहले कहीं रुका हुआ था, फंसा हुआ था,
तो वो पैसा मिलने की संभावना आपके लिए जरूर बनती है। धन के अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। पैसा आपके पास बहुत आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे उड़ाएंगे। धन के खर्चों पर कंट्रोल करिएगा, जो अच्छा पैसा आ रहा है उसका सही इस्तेमाल करिए, धन के अनावश्यक खर्चों से बचिए और कर्जा मत बांटिए। इस समय दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है। एक तो बहुत मुश्किल से डूबा हुआ पैसा निकल रहा है, उसमें भी अगर आप कर्ज बांटेंगे तो आपका दिया हुआ पैसा डूब जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर सात्विकता बनाए रखें। इस साल में आप मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। इस साल में थोड़ा सा समय अगर आप पूजा उपासना में दें, अगर आप ध्यान में दें, तो धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत शुभ होगा। पैसे बहुत बढ़िया आएंगे, करियर बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ बुद्धिमानी से पैसों का इस्तेमाल करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। तो देखिए, आने वाले वर्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लीजिए। इस दीपावली से अगले दीपावली तक सर्वाधिक प्रभाव होगा शनि का। उसके बाद 2023 के स्वामी होंगे केतु, उनका भी प्रभाव होगा। तो आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, अगर आप शनि देव और केतु की उपासना करते हैं या उनको प्रसन्न रखने के लिए उपाय करते हैं तो आने वाले वर्ष में आपको धन का अभाव नहीं होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि रोज शाम को शनि का मंत्र 108 बार पढ़ा जाएगा। आने वाले पूरे साल में ओम शं शनैश्चराय नमः, और शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब चूंकि वर्ष का स्वामी केतु और प्रभाव शनि का होगा, तो ये बात आप जान लीजिए, आपकी राशि कोई भी हो, इस वर्ष पैसा आसानी से नहीं मिलेगा। पैसा प्राप्त करने के लिए इस साल काफी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यानी इस साल अगर पैसा कमाना है तो किसी को भी इजी मनी नहीं मिलेगी। इस साल पैसा कमाने के लिए पर्याप्त मेहनत करनी होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव होगा। और जो लोग मेहनत करेंगे वो अपने ग्रहों के अलावा कुछ अतिरिक्त भी पा सकेंगे, कुछ ज्यादा भी पा सकेंगे। आ जाते हैं वार्षिक आर्थिक भविष्यफल पर और बात करते हैं मकर राशि की। इस दीपावली से अगले दीपावली तक अगर हम मकर राशि की स्थिति देखें तो धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन को लेकर के मकर राशि वालों को इस दीपावली से अगले दीपावली तक कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन के निरंतर आगमन से कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि लगातार इस साल में आपके पास पैसा आता रहेगा। धन को लेकर के किसी तरह की मुश्किल आने वाले साल में आपके लिए नहीं है। और जो थोड़े बहुत कर्जे आपके ऊपर चढ़ गए थे, अगर आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो कर्जा आप चुका पाएंगे। इस साल स्वास्थ्य और संतान पर काफी पैसा आपका खर्च होगा। अपने स्वास्थ्य पर भी, अपने परिजनों, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, उनके स्वास्थ्य पर भी पैसा काफी खर्च होगा और संतान पर भी बहुत पैसा खर्च होगा। संतान के करियर के लिए, संतान के जीवन के लिए, संतान की तरक्की के लिए काफी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। डूबे हुए और रुके हुए पैसे निकालने का प्रयास इस साल में मकर वालों को जरूर करना चाहिए। अगर आपका पैसा कहीं पर डूब गया है या कहीं पर फंस गया है, उसको निकालने का आप प्रयास करें तो आपके डूबे हुए रुके हुए पैसे निश्चित रूप से निकल जाएंगे। और आपका काफी पैसा फंसा हुआ है, बड़ा अमाउंट निकलेगा तो जिंदगी में आपके काम आएगा और जिंदगी में आप उसका इस्तेमाल करके आगे
बढ़ पाएंगे। पूरे साल भर मकर वालों को शनिदेव की उपासना करनी है। साढ़े साती का अंतिम चरण होगा और उतरती हुई साढ़े साती कष्ट देती है, ऐसा देखा गया है। तो शनिदेव की अगर आप पूरे साल भर उपासना करेंगे, रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर मध्यम रहने वाली है, एवरेज रहने वाली है। इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुल मिला के एवरेज रहेगी, कुल मिला के मध्यम रहेगी, न बहुत बुरी होगी न बहुत अच्छी होगी। कर्ज और स्वास्थ्य के मामले में आपके काफी पैसे खर्च होंगे, कर्ज चुकाने के मामले में, ईएमआई देने के मामले में, या दूसरों से जो कर्ज लिया है उसको चुकाने में आपको प्रेशर का अनुभव करना होगा, आपके ऊपर दबाव पड़ेगा और कर्ज के मामले में थोड़े पैसे ज्यादा खर्च होंगे। सेहत के मामले में भी काफी धन खर्च होगा, बहुत सारी जांच कराने में, बहुत सारा इलाज कराने में आपका पैसा इस साल में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का जो मैनेजमेंट है ना, कुंभ वाले जो पैसा मैनेज करते हैं, जो फाइनेंशियली चीजों को रास्ते पे ले आते हैं, वो हमेशा ही कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके, आर्थिक मैनेजमेंट करके अपनी स्थितियों को ठीक कर लेंगे, ये संभावना आपके लिए बनती है। यानी थोड़ी बहुत अगर मुश्किल आती है तो ऐसा लगता है कि आप चीजों को ठीक बना लेंगे। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद न हो, माता पिता की प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनकी जमीन, इन सब चीजों को लेकर के कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मीन राशि, इस दीपावली से अगले दीपावली तक कैसी रहने वाली है आपके जीवन की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मीन राशि के लोग, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वर्ष में, यानी इस दीपावली से अगले दीपावली के बीच में कोई नया काम करेंगे, किसी नए काम में जाएंगे, ये संभावना बन रही है और नए काम में इनके लिए लाभ की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। इनको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्ज और धन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, यानी इस साल में आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे और धन भी आपके पास आसानी से आता रहेगा, यानी कर्जा और धन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय में, निवेश में सावधानी रखनी होगी। आप नया काम शुरू करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, नया काम करिए, शुरू करिए, आगे बढ़ाइए, लेकिन किस व्यवसाय में पैसा लगाना है, पैसा लगाना सही होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों का विचार करके अगर आप काम करेंगे तो पैसा डूबने से बचेंगे। फंसे हुए और डूबे हुए धन को निकालने का प्रयास करिएगा। जहां पर आपका पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, उसको निकालने का अगर आप प्रयास करें तो आपके फंसे हुए डूबे हुए पैसे निकल सकते हैं। क्या करेंगे इस साल में, शनि मंत्र का अगर आप निरंतर जप करेंगे पूरे साल में, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करें, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करें,
तो निश्चित रूप से आने वाला वर्ष अच्छा होगा और पैसे रुपए को लेकर के सामान्यतः कोई समस्या परेशान नहीं करेगी। अब देखिए, आने वाले वर्ष के लिए हो सकता है आपको आपकी राशि ना पता हो, आपको आपका लग्न ना पता हो और आप चाहते हो कि कम से कम आने वाले साल में बाकी चीजें तो ठीक रहें लेकिन पैसा भी पर्याप्त मात्रा में आता रहे। क्या करना चाहिए? देखिए, आने वाले वर्ष के लिए तीन उपाय करना बहुत अच्छा होगा। पहला उपाय, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप किया जाए आने वाले वर्ष में, उससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दूसरा उपाय, आने वाले वर्ष में हर बृहस्पतिवार को गाय को केला खिलाएं या मंदिर में जाकर के केला रखाएं या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें। और तीसरा उपाय, आने वाले वर्ष में हर शनिवार की शाम को जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी बिस्कुट ब्रेड वो जो भी खाएं, दूध पिएं, वो उनके लिए व्यवस्था आप करते रहिएगा। अगर ये तीन उपाय आप निरंतर करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे, तो सामान्यतः आपको धन का अभाव आने वाले वर्ष में नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, शनि मंत्र का जप और शनिवार को कुत्तों को रोटी खिलाना ये सर्वाधिक अच्छा होगा। पैसे आएंगे, कर्जा कम होगा और बेवजह के धन के खर्चों से आप सुरक्षित रहेंगे। तो आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।